नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचडी आईएएस परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एचडी पे डेली हम 4 क्वेश्चंस कवर कराते हैं। सुबह 2 क्वेश्चन आपके कवर कराए जाते हैं, जिसके अंदर हम हिस्ट्री और पॉलिटी 2 क्लासेस चल रही है। यानी कि एक दिन आपको हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन कवर कराए जाते हैं, एक दिन आपको जो है पॉलिटी के 2 क्वेश्चन कवर कराए जाते हैं, जो आपको 9 बजे वीडियो प्राप्त होती है। क्लास जो है 9 बजे आती है, उसके अंदर हिस्ट्री और पॉलिटी 2 सब्जेक्ट जो है यहाँ पर कवर हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन हम डेली आप लोगों के लिए लेके आते हैं, जिससे कि आपके हम दोनों सब्जेक्ट को कवर कराते जा रहे हैं। शाम के टाइम जो आपको वीडियो प्राप्त होती है, उसके अंदर हम अन्य सब्जेक्ट को कवर करा रहे हैं। यानी कि डेली आपके 4 क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाते हैं, किन्हीं 4 टॉपिक से या फिर 2 टॉपिक से। ठीक है, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की वीडियो आती है, यानी कि एक सब्जेक्ट के हम 2 क्वेश्चन लेते हैं। आपके यहाँ पर आंसर राइटिंग के हिसाब से आपके सब्जेक्ट कवर होते जा रहे हैं, आपके जो टॉपिक है वो कवर हो रहे हैं आंसर राइटिंग के माध्यम से। ठीक है, तो आज वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं, जो कि लिए गए हैं आर्ट एंड कल्चर से, यानी कि जीएस फर्स्ट का आज हमने लिया है। जीएस फर्स्ट क्वेश्चन है और उसमें भी आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे ही करके आपके कोई भी जीएस का पेपर हो, यानी कि चारों जीएस के पेपर में कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका कोई भी टॉपिक हो, वो सभी जो है आंसर राइटिंग के हिसाब से कवर होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, कौन से मूर्तिकला निर्माण जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू हुआ और चोल शासन काल में जो है अपने चरम पर पहुंच गया था। इस पे हमें चर्चा करनी है, बिल्कुल सिंपल साधारण क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में पल्लव और चोलों का अद्वितीय योगदान था, क्या आप इस बात से सहमत है, चर्चा कीजिए। नॉर्मल सीधन साधारण जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो हमने आंसर लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट तीन चीज के आंसर हमें दे देने हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि कांस्य मूर्ति कला का निर्माण जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू हुआ था। यानी कि फर्स्ट बात तो यही है कि हमें उस चीज के बारे में बताना है, किस चीज के बारे में, कांस्य मूर्ति कला के बारे में। ठीक है, पहले हल्का सा हमसे परिचय उस चीज का देंगे, अब फिर कैसे सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वर्तमान तक कैसे इस चीज का विकास हुआ है, कैसे इनका यूज करते हैं, उसके कुछ पॉइंट देंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे चोल शासन काल में यह अपने चरम पर पहुंच गया, कुछ पॉइंट इस चीज के देंगे कि कैसे जो है चोल काल के टाइम पीरियड पे कैसे ये अपने चरम पर था, वहां पर कैसे ये पहुंच गया, उसके कुछ पॉइंट देंगे। ठीक है, और कैसे वर्तमान काल में भी आज इसका यूज करते हैं। तो ऐसे पॉइंट देते हुए क्वेश्चन को खत्म करेंगे। देखिए, यदि आप क्वेश्चन को समझ पाते हैं कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा गया है, तो हमारा बहुत बड़ा एक आधा हिस्सा खत्म हो जाता है। कैसे, देखिए, एक क्वेश्चन सामने आया और हमने एग्जैक्टली अनुमान लगा लिया कि हमने इस चीज के अंदर क्या लिखना है, कौन कौन से पॉइंट हमें इसमें लिखने हैं, और कैसे हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान और सिंपल भाषा के अंदर मैं प्रस्तुत कर सकता हूं और एक अच्छा आंसर इसका लिख सकता हूं, अपने सारे खंड जो भी इसमें पूछा गया है उसके पूरा कर सकता हूं, तो वहीं पर ही 50% काम खत्म हो जाता है। अब यदि तैयारी आपने ऐसे की है कि आपके पास सीधे सीधे पॉइंट है, आप समझ के देखिए, मान ली कांस्य मूर्ति कला से संबंधित क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी से क्या क्या चीजें हैं, कैसे उसे उस चीज के अंदर निर्माण हुआ है, और सिंधु घाटी से लेकर जो है वर्तमान तक कैसी चीज का विकास हुआ, इससे संबंधित कोई पॉइंट्स आएंगे तो वो आपके पास होंगे। ठीक है, चोल काल में जो है चोल शासन काल के टाइम पीरियड पे कैसे इसका विकास हुआ, कैसे चरम पे गया, तो उसके आपके पास पॉइंट होंगे। अब क्वेश्चन तरोड़ मरोड़ के पूछा जा सकता है कांस्य मूर्ति कला से, मगर 2 पॉइंट संबंधित यानी सिंधु घाटी संबंधित पूछा जाए या फिर चोल काल से, आपके पास उस तरह के पॉइंट्स होंगे कि आप लिख पाए। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा आपके लिए बेनिफिट है इन क्लासेस का कि आपके पास वो पॉइंट होते हैं, ये उनके पास है जो जो पढ़ते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे, उनके सभी सब्जेक्ट जो है आंसर राइटिंग के हिसाब से कवर होंगे, और जो आप मेंस लिख रहे होंगे तो मेंस क्रैक करने में ही आपकी हेल्प करेंगे, आपके सभी सब्जेक्ट जो है पॉइंट टू पॉइंट्स आपके पास सभी जो है पॉइंट्स होंगे हर क्वेश्चंस के, हर टॉपिक के। अब बच्चा दूसरी प्रॉब्लम्स भी होती है, जो उम्मीदवार होते हैं उनको दूसरी प्रॉब्लम्स भी होती है कि शुरुआत नहीं कर पाना, कैसे शुरुआत करें, कैसे निष्कर्ष लिखे, कौन कौन से पॉइंट कैसे कैसे दें, कैसे चीजों को वर्डिंग को मैनेज करें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है आती है। वो आप डेली वीडियोस देखेंगे, उनका रिवीजन करेंगे तो वो आपको सीख जाएंगे, क्योंकि डेली हम 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं। एक आपको जो है वीडियो 9 बजे प्राप्त होती है, एक वीडियो जो है शाम का टाइम आपको 6 बजे प्राप्त होती है। ठीक है, और टेलीग्राम के बहुत सारे जो है टेलीग्राम के लिए हमारे पास कमेंट आते हैं कि सर टेलीग्राम का लिंक दे दीजिए। देखिए, टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक देते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए,
ठीक है, वहां पर क्लिक कीजिए, वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं कि कौन कौन से पॉइंट देते हुए हम इसको लिख सकते हैं। भारतीय मूर्तिकारों को जो है कास्टिंग प्रक्रिया में उतनी ही महारत हासिल थी जितनी कि उन्हें कांस्य के माध्यम से टेराकोटा मूर्तिकला और पत्थर में नकाशी में हासिल की थी। ठीक है, उन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता के अति प्राचीन काल में जो है ढलाई के लिए जो है सीरे पेड़ यानी कि लुप्त मोम प्रक्रिया सीख ली थी। इसके साथ ही उन्होंने तांबा जस्ता टीन जैसी धातुओं को मिलाकर जो है मिश्रित धातु बनाने की प्रक्रिया भी खोज कर ली थी। इसे मिश्रित धातु को कांस्य कहते हैं। वो क्या थी, किस तरह की मूर्ति कला थी, उस चीज के बारे में हम चीजों डिटेल में बता रहे हैं। और शुरुआत कैसे की है, जिस चीज के बारे में बात चली है कि उन्होंने इस चीज पे आता था, वो चीज उसकी थोड़ी सी तारीफ करते हुए उस चीज के बारे में बताते हुए हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, बौद्ध हिंदू और जैन देवी देवताओं के कांस्य प्रतिमाएं भारत के अनेक क्षेत्रों में पाई गई है। जिस चीज की बात हो रही है उसके कुछ एग्जाम्पल देते हुए किससे संबंधित है वो हम बात बता रहे हैं। इन प्रतिमाओं का जो काल है वो 2री शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक है और इनमें अधिकांश जो प्रतिमाएं हैं वो अनुष्ठानिक पूजा के लिए बनाई गई हैं, लेकिन ये जो रूप है जो सौंदर्य है वो दृष्टि से अत्यंत आकर्षक और उत्कृष्ट है। इस चीज के बारे में बताते हुए, चाहे वो कांसे के बारे में हो, चाहे वो जो उनको बनाते हैं उनके बारे में हो, किससे संबंधित है उस चीज के बारे में, किस टाइम से किस टाइम पीरियड तक जो है उसी बार जिक्र करते हुए एक अच्छा सा उसकी शुरुआत करती है, पृष्ठभूमि और उसकी शुरुआत। ठीक है, एक प्रवाह है चीजों के अंदर, ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके आंसर में जिस चीज का आप आंसर दे रहे हो उसमें प्रवाह होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक से एक चीज जो है वो कनेक्ट होती चली जाए, आपका पॉइंट इस तरह से ना हो कि एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट उधर है। चीजों में प्रवाह होना, आपका प्रस्तुत होना, पॉइंट टू पॉइंट चीजें क्लियर कर देना कि हाँ बहुत आसानी से चीजें मैं अपनी प्रस्तुत करता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ जो है धातु ढलाई की प्रक्रिया का उपयोग जो है विभिन्न प्रयोजनों जैसे कि पकाने, खाने, पीने आदि के लिए जो है रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है इसमें काम आने वाले जो बर्तन है उनके लिए किया जाता है। आज के जनजातीय समुदाय अपनी कला अभिव्यक्ति के लिए जो है लुप्त मोम की प्रक्रिया को काम में लेके आते हैं। तो कैसे उस टाइम पीरियड से आज का टाइम पीरियड कैसे कनेक्ट हो रहा है, किन किन चीजों के अंदर जिनका निर्माण हम कर रहे हैं उनमें किन किन चीजों के अंदर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो नाचती हुई लड़की यानी कि नर्तकी का जो प्रतिमा हमने सबसे प्राचीन कांस्य मूर्ति है वो सबसे पुरानी है। इसका काल जो है लगभग 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। इस नारी की प्रतिमा का जो अंग है वो प्रत्यंग दृढ़ सारणी के रूप में साधारण है। ऐसी अनेक छोटी छोटी प्रतिमाओं का जो समूह है वो दाइमाबाद यानी कि महाराष्ट्र में पुरातात्विक खुदाइयों से प्राप्त हुआ है। आज के टाइम पीरियड में कहाँ कहाँ पर वो चीज प्राप्त हो रही है, क्योंकि हम पर्टिकुलर किस चीज की बात कर रहे हैं। देखिए, जो फोकस है वो एग्जाम में इतना घुसा लीजिए, इतना चीजों को लेके आइए कि आपको चारों तरफ चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो जाए। कुछ भी चॉइस, एक पॉइंट, एक क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, पकड़ा जाए, तो आप उस पॉइंट को पकड़ लें और उससे संबंधित सारी चीजों को लेके चले। जब आप पढ़ाई करते होंगे तो मैं मानता हूं आज तक आपने सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत बार पढ़ा होगा, मगर इस तरह से कि यहाँ पर जो है वर्तमान काल, प्राचीन काल, सिंधु घाटी में जो पुरातात्विक चीजें हैं वो और आज का टाइम पीरियड ऐसे कनेक्ट होके जब आता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जो मैं आपको बार 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 आपको बोलता हूँ कि सर, जहां तक जहां से आपने कहानियां पढ़ी है ना, जिन यूट्यूब चैनल से या फिर जहां से भी आपने कहानियां पढ़ी हैं और या बुक पढ़ी है, उसके बाद जब आप आंसर राइटिंग करने आते हैं तो जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं वो यही है कि कांस्य मूर्ति कला से संबंधित नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा गया है, उसको अच्छा आंसर लिखना, उसमें वे होना, उसमें परवाह होना, उसमें प्रस्तुत करना आसान नहीं होता। वो पॉइंट मैं आपको वो इतनी आसानी से चीजें आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, बस आपको प्लीज हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे लिए बस इतना कर दीजिए कि हमें उन लोगों तक पहुंचा दीजिए, प्लीज उन लोगों तक भी वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उन बच्चों तक भी, उन उम्मीदवारों तक जो है चीजें पहुंच जाए जो यहां तक नहीं पहुंच पा रहे। आप भी वो कार्य कर सकते हैं कि इन वीडियो को शेयर करके वहां तक पहुंचा सकते हैं ताकि उनके पास भी चीजें पहुंच जाए कि हाँ बहुत आसान तरीके से हमारे सब्जेक्ट आंसर राइटिंग के हिसाब से कवर हो रहे हैं। बहुत सारी यही प्रॉब्लम होती है कि चीजों को कनेक्ट कैसे करें,
सिंधु घाटी सभ्यता का पता है, मुझे पता है कि मोहनजोदड़ो से मिली थी ये नृत्य की मूर्ति, आपको पता होगा, मैं गारंटी है इस चीज की, मुझे पता है कि आप पढ़ते हो, अच्छे से मेहनत करते हो और ये चीज आपको पता होगा, मगर इस लाइन का इस चीज के बारे में बताते हुए, चीजें कनेक्ट करते हुए, वर्तमान काल से चीजें कैसे कनेक्ट होती चली जाएंगी, ये चीज मुश्किल हो जाती है। और यही डिमांड होती है मेंस की, जो आपको सीखना पड़ेगा, जो मैं आपको बताता जा रहा हूं। एक छोटा सा पॉइंट है कांसे की मूर्ति, मूर्ति कला, ठीक है, और उसके अंदर किससे चीजें चल रही हैं, ये भी अपने आप में टॉपिक बन गया, एक पूरा क्वेश्चंस बन गया। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हम कवर करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता हो, चारिया सभ्यता हो, या कोई भी सभ्यता हो, आपका कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं छूटेगा, ठीक है। बस आपको इतना करना है, बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी तक ये चीजें पहुंच पाए, वो उन प्रॉब्लम्स के अंदर ना गिरे जो उसके सामने आती है। आगे बढ़ते हैं, बिहार राज्य में चौसा स्थल में जो है जैन तीर्थकारों के अनेक रोचक प्रतिमाएं पाई गई हैं। ईसा की दूसरी शताब्दी यानी कि कुषाण काल में बताई जाती है कि तीर्थकारों का जो निर्वस्त्र दिखाना जरूरी था, इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो कांस्य प्रतिमाएं हैं उनसे पता चलता है कि भारतीय मूर्तिकार पुरुषों का जो अंग है, जो प्रत्यंग है, जो सुडोल मांसपेशी है, उनका निर्माण कितने अधिक कुशल तरीके से उन्होंने किया था उस टाइम पीरियड में। उन्होंने हर चीज को दर्शाया था, ठीक है, उनकी सभ्यता के अनुसार कि जैसे वो रहते हैं, उनकी जो है संस्कृति, उनकी सभ्यता, ये जो दर्श है, उन्होंने कैसे कितने वो कुशल थे उस चीज के अंदर, वो चीज हम बताते जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कांस्य कास्टिंग तकनीकी जो है पारंपरिक प्रतीकों का कांस्य छवियां निर्माण मध्ययुगीन काल के दौरान दक्षिण भारत में विकास के उच्च चरण में पहुंच गया था। एक सिंधु घाटी सभ्यता से चीजें स्टार्ट हुई, पहले उसी के बारे में हमने बात की। अगले पॉइंट हम क्या देते चले गए कि कैसे सिंधु घाटी से लेकर जो पुराना टाइम पीरियड था, प्राचीन काल था, और कैसे ये आते 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 थे वर्तमान तक आएगी, उसके पॉइंट आपको कैसे कैसे देते चलना, कैसे किस चीज से कनेक्ट होता हुआ, उस चीज के बारे में बताते हुए, उनका उपयोग चीजों के बारे में बताते हुए, कैसे आपको आगे बढ़ना, परवाह नहीं टूटने देना है, बस ऐसा लिखना है ना, इस तरह के पॉइंट क्रिएट करते हुए चलना है ना कि एग्जाम में बह जाए, आपके आंसर के अंदर बह जाए, वो उसको लगे कि मैंने शुरुआत की थी, एंड कब हो गया पता ही नहीं चला। आंसर इतने पॉइंट है, इतने आसानी तरीके से लिखा हुआ है, और इतनी आसानी से मैं पढ़ पा रहा हूँ, इतनी आसानी से समझ पा रहा हूँ कि बहुत ही आराम से और अपने परिवार के साथ लिखा गया, कोई चीज छूटी नहीं है, जो मैंने पूछा था वो सब लिखा गया। तो बस सब पॉइंट जो है आपको देते चलना है, उसी के बारे में बताया, फिर सिंधु घाटी जिले का वर्तमान तक उसके विकास को हल्का हल्का सा, क्योंकि वर्डिंग का ध्यान रखना होता है, तो उसी के बारे में पॉइंट देते हुए उसी का जिक्र कर लेना, ठीक है। फिर चोल का कैसे उच्चारण उसके लिए उसके कुछ पॉइंट लिख के जिक्र कर देना, ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका आंसर भी फुलफिल हो जाएगा, उसमें प्रभाव भी रहेगा, कुछ चूट छूटेगी भी नहीं, और आंसर अच्छा भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हालांकि 8वीं और 9वीं शताब्दी में जो है पल्लव काल के दौरान जो है कांस्य छवियां और मॉडलिंग कास्ट का किया गया था, लेकिन जो है तमिलनाडु में 10वीं से 12वीं शताब्दी तक चोल अवधि के दौरान जो है कुछ सबसे सुंदर और उत्कृष्ट मूर्तियों का निर्माण किया गया था। चीजें कहाँ पर चली गई, कहाँ पर चली गई चीजें, छोटे टाइम पीरियड में कैसे वो उत्तर सिस्टम पे जा रहा है, उसके कुछ पॉइंट हम देंगे। तथापि 10वीं शताब्दी में इस काल के अनेक संरक्षक रहे हैं, जिन्हें चोल वंशीय विधवा महारानी सेवियान महादेवी के नाम से रूप से विशेष रूप से उल्लेखनीय है, किन्हीं का जिक्र कर दिया जिसमें संरक्षण के अंदर और ये चीज उत्तर स्तर पर चली गई थी, ठीक है। नटराजन के रूप में जो है शिव की प्रसिद्ध नृत्य आकृति चोल काल के दौरान भी विकसित हुई, कैसे हम दर्शा रहे हैं कि जो कांस्य मूर्ति कला है वो चोल के टाइम पीरियड पे पीक पर चरम पर चल रही थी। वो कुछ पॉइंट देखिए, आप ऊपर कहानी थोड़ी छापेंगे वहां पर कि चार पन्ने काफी कहानी छाप दी, पूछा है 150 वर्ष में गया है, 250 में पूछा जाएगा, फिर क्या करोगे, बस उसको वर्डिंग को बहुत ही आसान भाषा में ऐसे बताते चलना, ठीक है। जो मूर्ति दी गई थी तब से इस जटिल कांस्य छवि के कई रूपों को मॉडल किया गया, ठीक है। चोल काल के कांस्य छवियों और तैयार करने की कांस्य तकनीकी जो है कला अभी भी भारत के कुशलता पूर्वक अभ्यास की जाती है, अभी भी वो चीज कितनी उस टाइम कितने कुशल थे वो, विशेष रूप से जो है कुंभकोणम यानी कि तमिलनाडु में वर्तमान युग में चोल काल की कांस्य मूर्ति कला के महत्व को दर्शाता है। तो वो चीज कैसे उसी की शुरुआत हुई सिंधु घाटी सभ्यता से, कैसे उसका विकास जो है अन्य चीजों से कनेक्ट होता चला, और उसके बारे में फिर हमें चोल काल के कुछ पॉइंट दे दिए जिससे लगा कि वो कैसे वो चरम उत्कर्ष सिस्टम पे चला गया था, और वर्तमान से भी उस चीज के कुछ चीजें करेक्ट करते हुए ये चीज बात हमने रख दी, ठीक है। चीजें बहुत आसान है,
मगर उसको लिखना, उसको आप बार बार अभ्यास करोगे तो ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में पल्लव और चोलो की अद्वितीय योगदान था, यानी कि दोनों पॉइंट पर हमें बात करना है, उस चीज के बारे में बताते हुए शुरुआत करनी है, और फिर क्या करना है, फिर चलना है इन दोनों की ओर, कैसे इसी का योगदान था, कैसे जो है इनका पल्लव का था, कैसे चोलो का था। ठीक है, इस बात को नॉर्मल से आंसर देते हुए और इसको देखते हुए बात को खत्म करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, पल्लव और चोल दोनों ही दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला में अपने योगदान के लिए अद्वितीय स्थान रखते हैं, क्योंकि उन्हीं से संबंधित है, तो उन्हीं से संबंधित चीजों के बारे में हम पहले हल्का सा संक्षिप्त परिचय देंगे। मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली जो है द्रविड़ भारत में फली फूली, जो पल्लव शासकों के द्वारा उत्पन्न हुई, चोलों के शासन में जो है अपने चरम पर पहुंच गई। पल्लव जैसे कि जो है उनका टाइम पीरियड बताएंगे कि 275 ईस्वी से 897 तक मंदिर का इतिहास में अधिक महत्व है, क्योंकि क्वेश्चन जो है मंदिर वास्तुकला से संबंधित है, तो उसी चीज के बारे में हम जिक्र करते चलेंगे, हमारी चीजें वहीं पर कनेक्ट होती चल जानी है जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि उनकी मंदिर शैली जो है विजयनगर जो 14वीं से 16वीं ईस्वी जो होयसल है, जो 1006 से जो है 1346 तक, चोल जैसे कई कर्मिक शासकों द्वारा जो है अपनाया गया, उन्हें उन्नत किया गया था, उन्हीं दोनों से संबंधित, पल्लव और चोल से संबंधित उस चीज के बारे में बताते हुए उनके टाइम पीरियड के दौरान चीजें शुरुआत कर दी। आगे बढ़ते हैं, सीधा सीधा सा अपने पॉइंटों पे जाते हैं, क्योंकि अन्य इधर उधर नहीं जाना है, बस हम आपको सभी पॉइंट दे देंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कितने पॉइंट लेने हैं अपने वर्ड के हिसाब से। आप यदि किसी पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां में 100 में 120 में पूछा गया है, तो उसी देखिए, मान लीजिए मैंने 4-5 पॉइंट दिए हैं कि भाई द्रविड़ मंदिर वास्तुकला के बारे में मान लीजिए हमने बात की, वे पल्लव का योगदान क्या था, मैं उसमें मैंने उसमें 5-6 पॉइंट दे दिए। ठीक है, मैंने आपको दे दिए क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, आपको देखना है कि भाई मुझे तो 120 में ही लिखना है, तो मैं तो इतने नहीं लिख सकता क्योंकि मेरी वर्डों के अंदर लिमिट है, तो आपको क्या करना है, कम कर देना है, ला दीजिए इस योगदान की, पल्लव के योगदान की बात कर रहे हैं तो ये 4 पॉइंट ले लीजिए या 3 पॉइंट ले लीजिए, 3-4 पॉइंट आपने दे दिए। फिर बात चोलो की हो तो उसमें 3-4 पॉइंट दे दीजिए, बात 250 में हो रही है तो अलग पॉइंट है, फिर आप ऐसे लिखिए, बस अपने अनुसार उस चीज को देख लेना है। आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए उसमें 150 में पूछा गया है आईएएस के अंदर, तो उसका ध्यान रखिए, 250 में पूछा गया है तो उसका ध्यान रखिए। वैसे मैं तो आपको पूरे जो है प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है, बस आपको वो लेते चलना है, रिविजन करते चलना है। आइए बात करते हैं पल्लव के योगदान की। देखिए, पल्लव में जो है महाबलीपुरम ने अखंड रथों और पौराणिक दृश्यों को पत्थर की नकाशी सहित गुफा मंदिरों और रचनात्मक मंदिर दोनों को ही सीखने की कला और मंदिर निर्माण का संरक्षण किया। इस शैली की जो नींव है रखने के लिए पल्लव इसके दो रूपों रोकट और संरचनात्मक के लिए जिम्मेदार थे, उनके बारे में हम जिक्र करते चलेंगे, उन चीजों के बारे में पॉइंट टू पॉइंट देते चलेंगे। पल्लव से पहले मंदिर निर्माण की कला जो है पल्लव के मंदिर निर्माण की कला से काफी अलग थी, उनके बहुत नयापन था। महाबलीपुरम और कांचीपुरम के पत्थर से जो है शिलालेखों के पल्लव शासकों का नाम जो उनके महान कार्यों का वर्णन करते हैं। पल्लव काल जो है दक्षिण में मंदिरों की गुफा मंदिर में संरचनात्मक मंदिर तक जो है संक्रमण काल था, और यह जो है परिवर्तन कई पल्लव शासकों के अधीन किया गया था। महेंद्र समूह के तहत जो है बने मंदिर रोकट मंदिर थे, जो मंडप के नाम से जाने जाते थे, मंदिर का पहला चरण था, उस चीज के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे चरण में जो है रोकट मंदिरों का जटिल मूर्तियों से सजाया गया था, मंडपों को अब अलग अलग रथों में विभाजित कर दिया गया है, सबसे बड़े रथ को जो है धर्मराज रथ कहा गया जाता है। उन चीज के बारे में कैसी विशेषता थी, किस चीज का वो कार्य करते थे, उस चीज के बारे में भी जिक्र करना है, वो हम कर रहे हैं। ठीक है, मंदिर की द्रविड़ शैली जो है धर्मराज रथ और उत्तराधिकारी थी, चरण को जो है नरसिंह समूह कहा जाता था। क्या चीजें हैं उन चीजों के बारे में बताते हुए, कैसे विकास हुआ, क्या उनके वो क्या करते थे, एक्चुअल में वो क्या करते थे, उस चीज के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, तीसरे चरण को जो है राज सीमा समूह कहा गया है, एक वास्तविक संरचनात्मक मंदिर शुरू किया गया। अंतिम और चौथे चरण में जो है नंदी वर्मन समूह कहा जाता है, तो कौन सा समूह क्या कहा जाता है, उस चीज के बारे में, क्योंकि आप बार बार देखेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। मैं जानता हूँ कुछ चीजों के बच्चों को ये अच्छी प्रॉब्लम, ये जो उम्मीदवार हैं जो आप मेहनत कर रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि याद ना रहना, वो प्रॉब्लम्स है, वो बार 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 आप मेहनत करेंगे, रिविजन करते चले जाएंगे, तो वो चीजें आपकी उंगलियों पे आपके दिमाग में आ जाएंगी। ठीक है, बस मेहनत करना है, रिविजन करना है, ऐसा नहीं करना कि वीडियो को एक बार देखा और छोड़ दिया। देखिए,
2 बार देख लीजिए उसको, रिवीजन कीजिए, टेस्ट दीजिए प्रॉपर। मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ क्वेश्चंस, आप प्रॉपर टेस्ट तो दीजिए, उसको भी एनालाइज करके बैठ के देखना ही तो है, और क्या करना है। मेहनत करते चलिए, मेहनत करते चलिए, हो जाएगा, ठीक है, घबराना नहीं है। यहाँ वास्तविक और छोटे द्रविड़ शैली के मंदिर बनाए गए थे। मंदिरों के जो है विकास के अलावा पल्लव ने विभिन्न रोक कट गुफाएं, खुली हवा में रोक लिफ्ट, ठीक है, जो गंगा के वंशज थे, ऐसे कुछ भी चीजों के बारे में थोड़ा सा बताना है ना, तो फर्स्ट कोमे के अंदर देखिए, फर्स्ट कोमे के अंदर उस चीज को लिख दीजिए। तट मंदिर परिसर की बात करें तो वो सिंह को समर्पित थे, ऐसा लिख सकते थे कि तट मंदिर परिसर बनाए गए। मगर यदि आप ऐसे अपने फर्स्ट कोमे के अंदर इस चीज के अंदर चीजों को जिक्र करते हैं कि जो हमने तट मंदिर परिसर थे वो शिव को समर्पित थे, तो आपकी स्टडी, आपकी पढ़ाई का तरीका और आपकी मेहनत ये चीज दर्शाती है, एग्जामिनर इस चीज से प्रभावित होता है कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाई की है, आप मेहनती हैं, ठीक है, आप डिजर्व करते हैं, आप मेहनत करके यहाँ पर पहुंचे हैं, एवे नहीं यहाँ पर पहुंचे हैं, ठीक है। और बस वो बच्चा या वो उम्मीदवार जो यहाँ पर है, जो नॉर्मल लिख रहा है, पॉइंट दे रहा है, और आप जो है उसको और अच्छे से अपने प्रवाह के साथ अच्छे से प्रस्तुत करते हुए, कुछ चीजों को अच्छे से जिक्र करते हुए बढ़ रहे हैं, पास आप उससे ऊपर निकलते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप इन चीजों को अपनाते चले जाएंगे। वो ही उन्हीं 15,000 में से या फिर जो लिए गए हैं, जो मेंस में बैठते हैं, वो बाहर हो जाएगा और आप जो है इंटरव्यू के लिए चले जाएंगे। बस यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें करना होता है, ठीक है। पल्लव काल के महत्वपूर्ण कलात्मक शैली इतिहास में जो है अवशोषण की प्रक्रिया में चली गई, इसे तमिल के सांस्कृतिक परंपरा का निरंतरता को रोका। तो ये क्या है, ये चीज आप ऐसे पॉइंट देंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए प्राचीन बंदरगाह शहर जो है ममलापुरम 7वीं शताब्दी के पल्लव स्थलों को वर्ष 1984 में महाबलीपुरम के स्मारक के समूह के नाम से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, जो पल्लव की अद्भुत वास्तुकला को दर्शाता है। किस चीज का जिक्र किया, अपना एक पॉइंट दे दिया जो आपकी स्टडी को बता रहा है, जो आपकी मेहनत को बता रहा है कि हाँ ये चीज जो है यूनेस्को के अंदर घोषित की गई थी, इस टाइम पीरियड पे की गई थी, ये चीज है और ये चीज मैं अपने पॉइंट के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो बस ऐसे ही बनते चल रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं मंदिर की वास्तुकला में चोलों का योगदान। पल्लव का देख लिया है, अब चोलों का देखते हैं, वो भी पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। देखिए चोलों ने जो है मंदिरों की तरह धर्मराज रथ की जो शैली है उसको अपनाया और प्राचीर किया, उन्हें मंदिर के वास्तुकला को द्रविड़ शैली में विकसित किया। द्रविड़ शैली या चोल शैली की कुछ अनूठी विशेषताएं हैं, मंदिरों के चारों ओर ऊंची चार दीवारी, सामने के दीवार के साथ जो है उच्च प्रवेश द्वार जिसे कि गोपुरम कहा जाता है, ठीक है। इन चीजों का आप जिक्र करेंगे और ये चीजें आएंगी कैसे, चीजें दिमाग में आती होंगी, जब भी आर्ट एंड कल्चर की चीजें आती हैं तो वो थोड़ा सा तथ्यों पर जाती है, वो कुछ चीजें याद रखनी होती, वो कैसे होगा, वो बार बार रिविजन करने से होगा, बार बार चीजों को वीडियो को देखने से होगा, बार बार देखिए, बार बार देखिए, चीजें आ जाएंगी, ठीक है, बस रिविजन करते चलिए। मंदिर की पंचायतन शैली के एक प्रमुख मंदिर और चार सहायक मंदिर, देखिए शिखर और सीढ़ीदार पिरामिड के रूप में होता है, जो कि घुमावदार के बजाय रेखा रेखीय रूप से ऊपर उठता है, ठीक है। वो क्या करता है, घुमावदार के बजाय कैसा है, रेखिक है, उसके रूप में ऊपर उठता है और विमान कहा जाता है, ठीक है। तो बस वो चीजों को याद कैसे होगा, रिविजन करने से। मुकुट तत्व जो है अष्टभुज के आकार का है और उसे शिखर के रूप में जाना जाता है, यह जो है नागर मंदिर के कलश के समान लेकिन गोलाकार नहीं है। ये चीजें याद रखते चलना है, अपनी बातों को रखते चलना है, ठीक है। द्रविड़ वास्तुकला में जो है मुख्य मंदिर के शीर्ष पर केवल एक विमान है, नागर वास्तुकला के विपरीत सहायक मंदिरों में विमान नहीं होते हैं। असेंबली हॉल जो है यानी गर्भ के साथ एक वेस्टिनूवर सुरंग द्वारा जुड़ा हुआ था, जिसे कि अंतराल के नाम से जाना जाता है। गर्भ के प्रवेश द्वार में द्वारपाल मिथुन यक्ष की मूर्तियां थी। मंदिर के घेरे के अंदर एक पानी की टंकी मौजूद है, जो द्रविड़ शैली की एक अनूठी विशेषताएं थी। उदाहरण की देखिए अपनी बात रखिए तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल रख दीजिए जो इस तरह की चीजें बनाई गई। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है, ठीक है, गंगई कोंडा चोलपुरम मंदिर, ठीक है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल आप रख देंगे, ठीक है। यहाँ से आप क्या चीजें देख रहे हैं,
कैसे चीजें को प्रेजेंट किया जाता है, कैसे यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब भी आर्ट एंड कल्चर की हम बात करते हैं, तो वहां पर कुछ तथ्य, कुछ चीजें ऐसे याद रखना होता है, उन चीजों को, उन चीजों के बारे में बताना होता है, वो आप बार 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 रिविजन करेंगे तो आ जाएगा। बस आपको इतना करना है कि प्लीज इन वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि उन लोगों तक ये चीजें पहुंच पाए। हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रॉपर आपके सभी सब्जेक्ट आंसर राइटिंग के साथ हम कवर करा ही रहे हैं, मेंस के प्रॉपर चीजें सेलेक्ट भी हम सब्जेक्ट को कवर कराएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।